आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में जानने वाले हैं जो डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। इस कंपनी का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज और ये एस्टैब्लिश हुई थी इन 1970। इस कंपनी का उद्देश्य था कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया ये सब सेक्टर्स के लिए इम्पोर्ट करती है, अब वो इंडिया में ही बनेंगे ताकि फॉरेन प्लेयर्स पे इंडिया का रिलायंस कम हो एंड टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड जब से ये एस्टैब्लिश हुई है, दे हैव मेड देयर नेम इन प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड अब ये फोकस कर रहे हैं ऑन सिस्टम इंटीग्रेशन। मतलब पहले ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते थे और अब ये रिसर्च कॉन्सेप्ट से लेके फाइनल प्रोडक्शन तक सारी चीजें इन हाउस ही करेंगे। रेंज देखोगे तो आप स्तब्ध रह जाओगे। एमटार चार सेक्टर्स को केटर करती है, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, डिफेंस एंड क्लीन एनर्जी। लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू द प्रोडक्ट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में एज यू कैन अंडरस्टैंड काफी पार्ट्स होते हैं। एमटार वो चीजें बनाती है जो न्यूक्लियर पार्ट्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ब्रिज एंड कॉलम जो फ्यूल को रिएक्टर में डालने और निकालने के काम आता है। न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिलती है न्यूक्लियर रिएक्टर से, जहां सारे यूरेनियम के रिएक्शंस होते हैं। उस रिएक्टर के सील्स, प्लग्स एंड एंड फिटिंग्स भी एमटार ही बनाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लांट को रेगुलेट एंड एमरजेंसी शटडाउन का मैकेनिज्म्स और कूलिंग का मैकेनिज्म्स भी यही कंपनी बनाती है और इनकी पार्टनरशिप है विद NPCIL, जो इकलौती बॉडी है जिसको सारे न्यूक्लियर प्लांट का ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन का जिम्मा है इंडिया में, प्रोवाइडेड प्राइवेट प्लेयर्स को गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे। न्यूक्लियर का कर्ता धर्ता NPCIL ही है। कंपनी का डिफेंस प्रोडक्ट्स अभी नेग्लिजिबल है बट इंक्लूड्स द बेस फॉर द अग्नि मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स। कंपनी का स्पेस का पोर्टफोलियो काफी शानदार है एंड इंक्लूड्स क्रायोजेनिक इंजन्स एंड लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन्स। तो इरिस्पेक्टिव गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दे या किसी और को, इंजन सप्लाई तो ये ही करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बॉल स्क्रूज एंड रोलर स्क्रूज भी बनाती है, विच हैज़ अ वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशंस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स एंड कंपनी ऑलरेडी हैज़ रिलेशनशिप्स विद इसरो एंड DRDO फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड असेंबली। द फाइनल सेक्टर इज क्लीन एनर्जी। कंपनी प्रोवाइड करती है फ्यूल सेल प्रोडक्ट्स, जो बेसिकली बैटरी का रिप्लेसमेंट है, एंड SOFC हॉट बॉक्सेस जो मीथेन यूज करते हैं टू जेनरेट पावर, एंड इट सप्लाइज टू वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर कॉल्ड ब्लूम। और करेंटली कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू इन्हीं से आता है। दीज प्रोडक्ट्स रिक्वायर हाई प्रिसिशन, रिलायबिलिटी एंड कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। कंपनी की कंप्लीट कस्टमर की लिस्ट ये है, जो इन इटसेल्फ काफी इंप्रेसिव है, एंड इन द फ्यूचर ये कस्टमर्स भी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेट्स लुक एट द कंपनीज ग्रोथ ड्राइवर्स। सबसे ऑब्वियस ग्रोथ ड्राइवर है मेक इन इंडिया। इंडिया का डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर्स पे ये बहुत तगड़ा पुश है एंड एमटार इज इन द स्वीट स्पॉट ऑफ एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट। उसके अलावा कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रखी है एंड इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जैसी टेक्नोलॉजीज को यूज करके इन्होंने अपने प्रोसेसेस हाईली प्रिसाइज एंड एफिशिएंट कर दिए हैं। एक और ग्रोथ ड्राइवर है कंपनी का कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल प्लेयर्स, जो इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखता है। अब देखते हैं कि कंपनी का ग्रोथ कैसे हिंडर हो सकता है। सबसे पहली चीज जो दिखती है वो है रेगुलेटरी कंट्रोल, क्योंकि डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में कंपनी को गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा और इसकी वजह से इन पे रेगुलेशंस का काफ़ी असर होगा। अगर इन्होंने छोटी सी भी भूल की तो इनके रेपुटेशन पे असर पड़ सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं कंपनी के कस्टमर डिमांड, मार्केट्स, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड ऑर्डर बुक पे। तीसरी चीज़, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो सकती है, क्योंकि कंपनी अपना काफ़ी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है। ट्रेड डिस्प्यूट्स, नेचुरल डिजास्टर्स या ट्रांसपोर्टेशन चैलेंज कंपनी के प्रोडक्शन शेड्यूल को अफेक्ट कर सकते हैं। एमटार के कॉम्पिटिटर्स ये हैं, भारत फोर्ज, LNT, एक्विस, प्रिसिशन कास्ट पार्ट्स कॉर्प एंड मेनी मोर इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक एयरबस, बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक एंड रोल्स रॉयस। इन सब से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि एमटार अपने स्ट्रेंथ्स एंड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज पे कॉन्सेंट्रेट करे, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कोलैबोरेट करे और अपने टेक्नोलॉजिकल R&D एंड क्वालिटी को मेंटेन करे। लेट्स डू अ क्विक बिजनेस एनालिसिस फॉर द कंपनी। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज लो,
टू ब्रेक इन टू द स्पेस इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स इमेंस एक्सपर्टीज. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स इज मीडियम. Since MTAR is a manufacturer, it depends highly on raw materials such as metals and electrical components and other commodities. Therefore, bargaining power of suppliers is medium. Bargaining power of buyer is medium. As MTAR is in the defense and aerospace sector, the main buyer is the government, and clean energy sector also, government is involved. Apart from this, partnership with international players who also have an edge in bargaining. Threat of substitutes is low. Because MTAR is evolving into a strategic player in the system integration phase from a precision engineering player, most of the products are custom designed and there are very little to no other substitutes. Rivalry among existing competitors is medium. While there are other competitors out there, MTAR is ahead in its technology. How long will this advantage last? We will have to wait and watch. The management list of MTAR is long and full of skilled members with immense industry experience. Here is a list for you to go through. I have also done a valuation for the company and that will be presented in another video. If the video has released, you can click here. Otherwise, please enjoy some of our other videos and don't forget to like, share and subscribe to the channel.